वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड एट में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस लेसन में इसके पहले के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे और उनके कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे है। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेवन तक आपको ये सब प्रॉपर्टीज पता थी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज क्यों है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करने के लिए स्टैंडर्ड सेवन तक नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड एट में आपको ये प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो हमने देखा था पैरेललोग्राम। यू नो दैट पैरेललोग्राम इज सच अ क्वाड्रिलेटरल हूज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं एंगल ए बी सी डी, तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो एडजेसेंट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इन द सेम वे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये हो गई थी थर्ड प्रॉपर्टी। और डायगोनल के रिलेशन में भी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी जो क्या है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस तरह से, ओके। तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इट मींस बाइसेक्ट। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने इसके पहले वीडियो में देखी थी, लेकिन इनको आज हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ वी विल प्रूव फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम चाहिए जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल शोन बाय दिस सिंबल्स, ओके। अब कोई भी थ्योरम हमें प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे वो पहले हम लिख लेंगे। तो हमें सिर्फ एक पैरेललोग्राम दिया है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एबीसीडी। सो वी विल राइट हियर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अब हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे, तो उसको हम लिखते हैं एज इट इज टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम ए बी साइड लेते हैं तो ए बी साइड की अपोजिट साइड होती है सी डी। अब ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। सो वी विल राइट हियर ए बी इक्वल टू सी डी। एंड अब पैरेललोग्राम को दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होती है, तो एक ये हो गई और सेकंड हो गई बी सी की अपोजिट साइड हो गई ए डी। सो बी सी इक्वल टू ए डी। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं इन दिस वे, और इसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो हम एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। सो वी राइट हियर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ डायगोनल ए सी, और यू कैन सिंपली राइट एट ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी। अब इसे प्रूफ करना है, अब यहां से हमारा प्रूफ चालू हो जाता। सो वी राइट हियर प्रूफ, ओके। अब इस डायगोनल की वजह से इस क्वाड्रिलेटरल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ये हो गया ट्रायंगल और दूसरा ये हो गया ट्रायंगल। अब स्टैंडर्ड सेवंथ में आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना सीखा है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है इट मीन्स दैट उस ट्रायंगल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सेम मेजर के हो जाते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट दिखा दे तो ए सी विल बी इक्वल टू ए डी। तो ये तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, सॉरी बी सी इक्वल टू ए डी, ये प्रूफ हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी।
और सिमिलरली अगर हम बीडी डायगोनल लेकर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट दिखा दे तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो हमें प्रूफ में सिर्फ एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्वर्ट दिखाना है और बीसी कॉन्वर्ट एडी दिखाएंगे और फिर आपको सिर्फ सिमिलरली इसका भी होगा ऐसे लिखना है। ओके सो फर्स्ट वी विल राइट नाउ इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से है, इसका नाम हो गया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी, ए बी सी। अब इस दो ट्रायंगल में आपको क्या सेम दिख रहा है वो हमें लिखना है। आप जानते हो कि ये दो पैरेलल, मतलब ये दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो बी सी पैरेलल ए डी है ना, तो ये ए सी हो गए उसके ट्रांसवर्सल। तो स्टैंडर्ड सेवन पे आपने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टीज वो सीखी है, ठीक है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अब इसका क्या रीजन है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। ओके तो ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर का ट्रायंगल नीचे के ट्रायंगल के साथ, तो देखो एंगल साइड और एंगल, तो एक ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और उनके बीच के साइड के साथ इक्वल है, इट मीन्स दैट दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एडीसी वी विल राइट हियर एंगल, इस एंगल का नाम लिखेंगे और इसके साथ इक्वल दिखाएंगे, तो इसका नाम क्या है थ्री लेटर्स में, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका नाम क्या रहेगा एंगल डी सी ए, या फिर आप बोल सकते हो ए सी डी, एंगल ए सी डी। अब इसका हमें रीजन भी लिखना है, अब इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके अब उसी तरह से अब हम ये साइड कॉमन है ये भी दिखा देंगे, राइट हियर साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट साइड ए सी, अब इसका रीजन क्या है, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल की वो साइड कॉमन है, और थर्ड हो गया ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है। तो लेफ्ट साइड में हमने पहले इस ट्रायंगल का लिखे है फैक्टर्स, तो हम पहले इस एंगल का नाम लिखेंगे अब, तो इसका नाम हो जाएगा बी सी ए, तो एंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है, तो इसका नाम है एंगल सी ए डी। ओके एंगल सी ए डी, और इसका भी रीजन है कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सो राइट हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके नाउ अब आप देखो कि एक ट्रायंगल के थ्री पार्ट्स, मतलब दो एंगल और उनके बीच की साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच के साइड के साथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी विल राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम ए डी सी। अब इसमें कौन सी टेस्ट लगी है, सो वी विल राइट हियर बाय, अब देखो एंगल साइड एंगल यानी ए एस ए, तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, तो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस टेस्ट के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब जो बाकी के फैक्टर्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, सो वी राइट हियर देयरफॉर बी सी इक्वल टू ए डी, और इसका क्या रीजन है, सो वी राइट हियर सी एस सी टी, सी एस सी टी का मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके सिमिलरली
सिमिलरली वी कैन प्रूव अब जो दूसरा है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो हम इसी तरह से ए बी इक्वल टू सी डी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेल बी डी को ज्वाइन करना है, यानी बाय डायगोनल बी डी को कंस्ट्रक्ट करना है, बाय कंस्ट्रक्टिंग डायगोनल बी डी। सो वी कैन राइट दैट हेज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव, गॉट इट। नाउ वी विल प्रूव नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो कि एंगल ये जो है इसका अपोजिट एंगल हो गया है एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट एंगल हो गया है एंगल डी। तो हमें एंगल सी इक्वल टू एंगल ये प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, तो हमें क्या दिया है, सिर्फ एक पैरेललोग्राम दिया है। सो वी राइट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में कौन से साइड्स पैरेलल है वो भी देख लेते हैं, बी सी पैरेलल ए डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, ओके। और हमें प्रूव क्या करना है, तो उसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पे टू प्रूव, अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे डायगोनल ए सी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो आई विल राइट हियर ड्रॉ डायगोनल ए सी, मैंने ए सी डायगोनल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम करते हैं इसको प्रूव, सो आई विल राइट हियर प्रूव। अब किस तरह से प्रूव करना है, अगर मैं ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दू तो दिस एंगल विल बी इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हम दिखा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। सो राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, अब ये दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों की ये साइड कॉमन है, फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, सॉरी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और फिर ये वाला जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल है। तो फिर वही ए एस ए एस ए कॉन्ग्रेंट टेस्ट हमें लिखनी है यहाँ पे। सो विल राइट हियर एंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ, तो इसका नाम क्या है डी सी ए लिखो या एंगल ए सी डी लिखो, एंगल ए सी डी, आई विल शो इट विथ सेम सिंबल, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेम सिंबल से शो कर लेते हैं, व्हाट इट। अब ए सी, अब यहाँ पे इसका रीजन भी लिखते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये हो गए उनके ट्रांसवर्सल। नाउ अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लेफ्ट साइड में बी ए सी लिखा है, तो बी ए सी ये वाला एंगल लिखा है इस ट्रायंगल का, तो अब हम ये भी ट्रायंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके जगह हम लिखेंगे पहले नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों के आगे हम दिखाएंगे एडिशन। तो इस ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है। सो विल राइट हियर एंगल, इसका नाम क्या रहेगा सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल, और इसका नाम रहेगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, और इसका रीजन भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखो एक ट्रायंगल के दो एंगल तो हमने इक्वल दिखा दिए, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल को इक्वल दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्ग्रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है,
अब आप क्या करो, इसको नाम दे दो इक्वेशन वन और इसको नाम दे दो इक्वेशन टू. सो आई विल राइट हियर बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू. और इक्वेशन को ऐड करते समय हम LHS को LHS के साथ और RHS को RH के साथ ऐड करते हैं. सो विल गेट हियर एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू. अब RHS को ऐड करो, एंगल ACD प्लस एंगल ACB. अब यहाँ पे देखो BAC मतलब BAC ये वाला एंगल हो गया और CAD मतलब ये वाला एंगल, तो ये बन गया पूरा एंगल और इसका नाम है एंगल ये, या फिर अक्षर में आप लिखोगे तो एंगल BAD. सो आई विल राइट हियर एंगल ये इक्वल टू, यहाँ पे देखो ACD यानी ये वाला एंगल और ACB यानी ये वाला एंगल, तो मिलकर हो गया पूरा ये एंगल और इसका नाम है एंगल सी. तो हमें यही प्रूव करना था एंगल ये इक्वल टू एंगल सी. और इसी तरह से हम सिमिलरली BD डायगोनल ड्रॉ करके हम प्रूव कर सकते हैं एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल. सो आई रेड हियर सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बाय ड्राइंग डायगोनल BD. तो इस तरह से ये प्रूफ है. गॉट इट? नाउ वी विल प्रूव थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल निकालना है, चलो इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं. तो ये अपोजिट साइड्स हो गए इसके पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम के. सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. अब हमें जो दिया है वो पहले हम लिख लेंगे गिवन. तो हमें क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स हम यहाँ पे पैरेलल दिखाएंगे. इट मीन्स BC पैरेलल AD एंड AB पैरेलल हो गई CD. और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स हम यहाँ पर इक्वल भी है, सो उसको भी लिख लेंगे BC इक्वल टू AD एंड AB इक्वल टू CD. इसका हमें काम है अभी आगे, इसलिए हमने इसको लिख लिया है. अब हमें जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव. अब प्रूव क्या करना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो सबसे पहले तो हम इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं. तो एक तो डायगोनल हो गया ये AC और दूसरा ये डायगोनल हो गया BD. अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे ले लिया हमने पॉइंट O. अब AC ने BD के दो इक्वल पार्ट बनाए, ये हमें प्रूव करना है. इट मीन्स हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OD. सो वी राइट हियर OD इक्वल टू OB. और सेकंड BD ने AC के दो इक्वल पार्ट किए, यानी हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OC एंड OA इक्वल टू OC. अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल का यूज करते हैं. सर एक ट्रायंगल लेते हैं हम BOC और एक ट्रायंगल लेते हैं AOD. अगर हमने ये ऊपर का ट्रायंगल और ये नीचे का दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा दिया तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो चलो इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो सबसे पहले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल इन, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ. तो इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD. अब ये दो ट्रायंगल को आप गौर से देखो, ये जो है BC पैरेलल AD है और ये होगी BD उसके ट्रांसवर्सल. तो इसकी वजह से ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. उसी के साथ इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दो लाइन पैरेलल है और ये साइड हो गई दोनों की इक्वल. तो एंगल साइड एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के
एंगल साइड एंगल के साथ इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये दो ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। सो वी विल राइट एंगल, सबसे पहले इसमें एंगल ओ बी सी लिखो या सी बी ओ लिखो, तो एंगल ओ बी सी कॉन्ग्रेंट एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है, इसका नाम ओ डी ए या फिर लिखो ए डी ओ, कोई भी चलेगा। तो एंगल ओ डी ए, अब इसका हमें रीजन लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके नेक्स्ट, अब हम यहां पे दिखा देते हैं साइड इसके साथ इक्वल है, सो राइट हियर बी सी कॉन्ग्रेंट ए डी, और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने गिवन में इसको लिखा है, सो राइट हियर गिवन, रीजन ये है इसका। ओके नेक्स्ट हम दिखाएंगे ये एंगल इसके साथ इक्वल, इसका नाम है एंगल ओ सी बी, तो एंगल ओ सी बी कॉन्ग्रेंट। अब क्या करना है आपको, लिखते समय जो ऊपर का ट्रायंगल है उसका हमने एलएचएस में लिखा है और नीचे का जो ट्रायंगल है उसकी हमने आरएचएस में लिखा है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी, और इसका भी रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके अब एक ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच के साइड के साथ कॉन्ग्रेंट है, इट मींस दैट देयरफॉर ट्रायंगल बीओसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एओडी, और इसका क्या रीजन रहेगा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस टेस्ट। ये सभी टेस्ट आपको लास्ट ईयर सेवन स्टैंडर्ड में हो गई है। ओके तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के जो बाकी के पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, सो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ डी, इसका क्या रीजन होगा सी या सी टी कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसी तरह से हम लिख सकते हैं ये जो है ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए, इसका भी रीजन है सी या सी टी, सो वी विल राइट हियर हेंस देयरफॉर हम लिख सकते हैं अभी द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव, ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। गॉट इट, नाउ वी विल सी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगल्स के एडिशन 180 डिग्री होती है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हमें एक सिर्फ पैरेललोग्राम दिया था उसके अनुसार हमने एक फिगर ड्रॉ की और उसको नाम दे दिया एबीसीडी, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। और हमें क्या प्रूव करना है, सो विल राइट हियर टू प्रूव, अब बाकी का जो हम यहाँ लिखते हैं साइड इक्वल है और पैरेलल है, हाँ पैरेलल को हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। ओके तो हमें जो प्रूव करना है उसको हम लिखेंगे टू प्रूव। अब एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए, बी का एडजेसेंट ए हो गया, ए का एडजेसेंट डी हो गया, डी का एडजेसेंट सी हो गया, सी का एडजेसेंट एंगल बी हो गया, तो हम इनमें से कोई एक पेयर ले लेते हैं, तो ये और डी ले लेते हैं, ठीक है, और इनको दिखना है सप्लीमेंट्री, यानी इनके एंगल के एडिशन दिखा दिया हमें 180 डिग्री, सो राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हमें दिखाना है 180 डिग्री। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसको क्या करना है हमें, ये जो है ए डी साइड इसको हमें इस तरह से प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक एक्स ले लिया जैसे, ठीक है, सो राइट हियर कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस एडी टू एक्स, हमने एडी को एक्स तक प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे आप गौर से देखो, हमें इन दोनों की एडिशन दिखानी है, तो सबसे पहले आप इस एंगल का मेजर फाइंड कर लो। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और इन दोनों के एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री। सो वी विल राइट हियर इन प्रूफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखते हैं एंगल, इसका नाम है एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए प्लस एंगल, इसका नाम है सी डी एक्स, सी डी सॉरी यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूँ, एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी डी एक्स इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पे 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब हम इसमें से एंगल सी डी एक्स का मेजर फाइंड करते हैं। तो एंगल सी डी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, अब एंगल सी डी ए को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो माइनस एंगल सी डी ए। ओके, अब आप इस फिगर को गौर से देखो, तो बी ए पैरेलल सी डी ए और ये हो गई ए डी ट्रांसवर्सल, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दो लाइन हो गए पैरेलल और ये हो गए ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होते हैं। सो वी विल राइट हियर नाउ एंड देयर फोर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी डी एक्स, इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सी डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सी डी एक्स की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल सी डी ए। अब एंगल सी डी ए को एल एच एस में आप ट्रांसपोज कर दो, सो यू गेट देयर फोर एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी ए डी इसको अगर वन लेटर में लिखेंगे तो एंगल ये होता है, सो विल राइट हियर देयर फोर एंगल ए प्लस सी डी ए, इसको अगर वन लेटर में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूव कर लिया, सो विल राइट हियर हेंस वी कैन से दैट the sum of any two adjacent angles is 180 degree proved, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो इस तरह से आज हमने पैरेललोग्राम की चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है, got it? Now we will see one question which is based on properties of parallelogram. In this figure it is given that ABCD is a parallelogram. और यहाँ पे हमें कुछ angles के measure दिए है और हमें find करना है angle X, angle Y और angle Z का measure हमें find करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे कि हमें जो angle दिया है उससे हमें कौन से angle मिल सकते हैं। तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें एडी और बीसी अगर पैरेलल है तो ये भी होगी उनके ट्रांसवर्सल, तो ये जो पूरा एंगल है दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये दो इक्वल है मतलब 45 डिग्री प्लस जेड विल बी इक्वल टू 80 डिग्री, तो उससे आपको एंगल जेड मिल जाएगा। अब एंगल जेड मिलने के बाद आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है तो वो पहले हम देख लेते हैं, या तो हमें वाई मिलेगा या फिर एक्स मिलेगा। आपको यहाँ पे एक्स भी मिल सकता है क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल डी प्लस एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमें इसमें से एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है 45 डिग्री से वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसको सॉल्व कैसे करना है चलो देखते हैं। So we will write here solution first. So in parallelogram, या फिर in parallelogram ABCD, parallelogram ABCD, तो हमें जो लाइन पैरेलल दिखानी है और ट्रांसवर्सल उसको पहले हम लिख लेते थे। So AD parallel BC and AB is their
ट्रांसवर्सल, अब ये भी हो गए उनके ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल, इसका नाम लिखेंगे डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल, और ये हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 80 डिग्री ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट नहीं दिया है। सो वी विल राइट हियर, इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल डी ए बी में दो एंगल्स बने हैं, ये 45 डिग्री और दूसरा जेड, तो यहाँ पे हम डी ए बी की जगह लिखेंगे 45 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ जेड इक्वल टू 80 डिग्री, देयरफॉर जेड इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 45 डिग्री को ट्रांसफर्स कर दो, सो हियर विल बी माइनस 45 डिग्री, सो यू गेट हियर कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तो जेड की वैल्यू हो गई 35 डिग्री। अब एंगल डी और एंगल ये दोनों एंगल है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, सो विल राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों की एडिशन होती है 180 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे रीजन नहीं लिखना है तो आप ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए एंड डी आर एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो एंगल ए की वैल्यू थी 45 डिग्री प्लस एंगल जेड, तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस जेड की वैल्यू है 35 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी की वैल्यू हमें यहाँ पे एक्स दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, 45 प्लस 35 ये हो जाता है 80 डिग्री, सो विल राइट हियर 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, अब आप देखो कि डीसी पैरेलल ए बी है तो उनकी ट्रांसफर हो गई एसी, सो राइट हियर डीसी पैरेलल ए बी एंड एसी इज देयर ट्रांसवर्सल, एसी ट्रांसवर्सल है सो वी कैन राइट दैट एंगल, इसका नाम, इसका नाम और हमें इसका नाम लिखना है एंगल डी ए सी एंगल, या फिर हमें जिसका फाइंड करना पहले उसका लिख लेते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल, इसका नाम है डी ए सी, एंगल डी ए सी, और इसका रीजन क्या है अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एसी बी कितना दिया है आपको y, सो y इक्वल टू और डीएसी की वैल्यू 45 डिग्री, सो राइट हियर 45 डिग्री, तो हमें एक्स y और z की वैल्यू मिल गई, सो देयरफॉर वी राइट लास्ट आंसर x इक्वल टू 100 डिग्री कॉमा y इक्वल टू 45 डिग्री एंड वी विल राइट z इक्वल टू 35 डिग्री, तो इस तरह से ये एग्जांपल है, गॉट इट।